और भी तो निकल का दिया भाई, खीरा ही हो गया चौखा, खीरा ही हो गया रे, देख लो ये रोटी। अच्छा मोटा मोटा रोट बनावा है गाजर का है। हाँ मोटा मोटा बनाओ। अच्छी नेट चालू कर रखी है बाजरी के रोटा में, गर्मा गर्म। अब इन टाइम सर्दी का माँ और कुछ ही चौको बन लगे, भूख शांत होनी चाहिए, वह चीज अच्छी लगे कि वो अपने पेट में सही सी। तो हाँ इस तरीके में जो फटाफट बाजरी की रोटी बन रही है दड़ा दड़ा आज पड़ा पड़ा सब खल कर के ठूं रही। हाँ ये तो भी सही तक तो बनाए, इसमें छोड़ूंगा नहीं कि तो पिस्सो। ओ भाई बहुत साथ। नमस्कार मेरे YouTube परिवार, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल साधु जर्नी का है। और आज जो है भयंकर कोहरे में सर्दी में जो किन्नू की नानी का एक फैसला है कि भाई गायों को बाजरे की रोटी खिलाई जाए, पहले गुड़ और गेहूं की रोटी खिलाई और उसके बाद गुलगुला बना करके खिलाया कुत्तों को गायों को, और आज बाजरे की रोटी का जो है इसने निर्णय लिया है। और नई नई रेसी गर्म करे बाजरी तो पड़ेगा माँ जद जद दुकान मंगाई नहीं पसी नया नहीं। हाँ तो स्पेशली ये बाजरी मंगाई थी दुकान से, 20 किलो बाजरी मेरे को लेकर के आनी पड़ी क्योंकि घर में बाजरी थी नहीं। और ये बाजरी की मतलब रोटी है, वैसे भी गायों को खाने के लिए भी स्वादिष्ट होगी और गर्म गर्म रोटी गायों को खिला करके आएंगे। बहुत ही अच्छा निर्णय है, बहुत ही बढ़िया निर्णय है। और आप बाकी कमेंट करके बताना कि निर्णय कैसा रहा, जोरदार है, अच्छा है या इस प्रकार का निर्णय। ये देखो सर्दी के मौसम में भूखे को भोजन कराना यही सबसे बड़ी सेवा है, मैं तो मानता हूँ। आप मानते हैं या नहीं ये कमेंट में जरूर बताना है आपको। हाँ मैं तो लेट आया, 8:30 बजे भूखे हूँ मैं तो, देखो 8:30 बजे तक मैं तो मेरी पूजा पाठ में लाग रहे हो। देखो पहले आधी रोटियां बना चुकी है, ये थुंड थुंड बन जी से आधा बन जी हे खुद मेरे थुंड लगाड़ नहीं सकम। बहुत जोरदार है, बहुत जोरदार तब तई है, खीरे चोखा लग गया और है इन पाले के माय नहीं। अब देख आ जरा बा हां इतना गेहूं एकदम सन्ना हो रे, सुन आ रही है बगा हां पूरा तप लियो हटे तो रोटी बढ़ा लियो। किन्नड़ी रब उठ गया ये, अब लेट उठे हैं गुंडा उमा ही रहा आज चौथी नहीं नहीं सक्रांत ही है छुट्टी छुट्टी को आनंद थी छुट्टी को आनंद किन्नड़ी ले है। और बैठा जयपुर जाके वापस 6:30 बजे उठना पड़ेगा। गर्मा गर्म तैयार कर ली है और इसको मतलब ले जाने की तैयारी हो रही है गायों के लिए। तो इस तरह से इनको सेट कर लेते हैं ताकि आराम से उठा उठा करके जल्दी जल्दी दे जाए, रात के माँ सेट करी में तो नहीं, रात में कर जाए तो भी चीनी तो पड़ जावे। हाँ पड़ जावे, गिर जावे क्योंकि बहुत ज्यादा ऊंची होगी तो यहाँ कर जानी। हाँ एकदम सही जैसी रोटी आराम उठा सका जल्दी जल्दी उठा उठा के गया ने दे सका इस तरीके में। देखो परात पूरी की पूरी भर ली है रोटी, देखो ये देखो पूरी की पूरी ये जो परात है इस तरह से भरी है पूरी। शायद 100 के लगभग रोटी हो गई है ये परात, पूरी रोटी किचन उठा ली है और नाना नानी को रवाना कर रही है गायों को रोटी देने के लिए। बहुत भयंकर बाहर सर्दी है आज कि मजा अच्छा अच्छा बहुत शानी है किन्नू किन्नू बहुत शानी है। देखो गाड़ी में रख रही है, रख जी के रख रख ए अल कोई बात नहीं, तेरे नानी सही कर ले सी। तो इस ज़बरदस्त सर्दी के मौसम में हमने जो है बाजरी की रोटी का जो ये आज बनाया है पूरा का पूरा मतलब पर्वत खड़ा कर दिया है रोटियों का ये देखो, और गायों के लिए लेकर के अभी रवाना हो गए हैं। Thank you.
दे दे रोटी तो दे, पांच चार रोटी दे, मैं भाज गया। अजय जल्दी से उतर जाए, लाठी और कौन करने ऐती खा गियो, ऐती खा गी लारू से खा खा गए आगे सर क्या बगे? कोई ऐती खा गी उरली बांग भांति को नहीं आगे जाओ आगे। रोटी थी है। प्रमोद जी भारती, गांव गोपाल सर सूरतगढ़ श्री गंगानगर से 101 रुपया। सुषमा जी टीचर, गांव रामसराताल राजगढ़ चूरू से 201 रुपया। एक गो माता भक्त, गांव धोड़ास लक्ष्मणगढ़ सिक्कर से 101 रुपया। ए मेरा जी बुज रावलिया, तालुका गोगुंदा उदयपुर राजस्थान से 201 रुपया। एक गो माता भक्त, नगर अमरेली गुजरात से 151 रुपया। और एक गो माता भक्त, गाँव गुंसाई सर बड़ा हाल पुणे से 501 रुपया। दिल से आभार मेरे YouTube परिवार। अगर आप साधु जर्नी चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो के अंत में गाय एवं गरीब सेवा साधु जर्नी ट्रस्ट का QR कोड दे रहा हूं, उसी पर धनराशि भेजने के बाद आप मेरे WhatsApp नंबर 7976918580 पर स्क्रीनशॉट्स अवश्य ही भेजें, ताकि मैं पूरा पूरा हिसाब किताब रख सकूँ। धन्यवाद।